देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में कोरोना पाबंदी हटी तो 5 लाख लोगों की आवाजाही। भारत के 16 राज्यों से नहीं आए मामले। चीन में 8 जनवरी को जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद से देश से आने जाने वाले की संख्या 5 लाख पार कर चुकी है, जो कोविड पॉलिसी लागू होने के पहले वाले समय से 48% ज्यादा है। इधर भारत में मंगलवार को जारी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 89 मामले सामने आए हैं, जो 2020 के बाद पिछले 2 साल में सबसे कम है। इसके बाद देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2035 हो गई है। दिल्ली समेत 16 राज्यों में मंगलवार को कोरोना का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। 16 जनवरी को भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के 2 साल पूरे किए हैं। इस पर मंगलवार को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के CEO मार्क सुजमान ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के मामले में भारत ग्लोबल उदाहरण पेश किया है। जिस तरह से भारत 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई है और इसके लिए पोर्टल बनाए, इससे दूसरे देशों को सीखने की जरूरत है। वहीं भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर छप रही मीडिया रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है। मंत्रालय ने ICMR के RTI के जवाब का खंडन किया है। इसमें कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।